पश्चिमी बंगाल में एक हथिनी को जिस बर्बरता से मारा गया उसको लेकर पूरे देश के पशु प्रेमी आक्रोश में हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। झारग्राम एक टूरिस्ट इलाका है जो अपने जंगलों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब वहां पे भी बंगाल के और इलाकों की तरह ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के मामले बढ़ने लगे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण है हाथियों का जंगलों से निकल के इंसानी इलाकों में घुसना, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके पीछे मुझे दो कारण समझ में आए। पहला कारण तो है फूड अवेलेबिलिटी, यानी हाथियों को कितना खाना उपलब्ध है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ती गई हैं, जंगलों का लैंड साइज घटता गया है। पिछले कुछ दशकों में जो जंगल लगाए भी गए हैं वो इंसानी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए साल जैसे टिम्बर वाले पेड़ों के लगाए गए हैं, और हाथियों के लिए जंगलों में खाना घटता ही गया है। खाने की अवेलेबिलिटी कम हो जाने की वजह से हाथियों को अपना वो एरिया जिसमें वो रहते खाते आए हैं वो बढ़ाना पड़ा, और साथ ही में बदले उनके ट्रेडिशनल रूट्स जिन्हें एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। अब यहाँ पे आता है समस्या का दूसरा कारण, क्योंकि इंसानी घुसपैठ की वजह से जंगल भी छोटे छोटे भागों में विभाजित हो चुके हैं। हाथियों के इन रूट्स पे पड़ते हैं रिहायशी इलाके और खेत। हाथियों से इन इलाकों को बचाने के लिए कभी इलेक्ट्रिक फेंसेस का इस्तेमाल होता है, कभी ट्रेंचेस का, तो कभी हल्ला पार्टीज का। कायदे से हल्ला पार्टी स्थानीय लोगों का वो समूह है जिन्हें हाथियों की समझ है और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हाथियों को वापस जंगलों में खदेड़ने का काम करते हैं। लेकिन इनका उपद्रवी हो जाना और हाथियों पे जलती मशाले भाले फेंकना इतना कॉमन हो चुका है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा था कि हाथियों पे जलते हुए टायर और आग के गोले इत्यादि ना फेंके जाएं। ऐसी ही एक हल्ला पार्टी के दौरान हमारे स्वतंत्रता दिवस वाले दिन इस प्रेग्नेंट हथनी को एक जलता हुआ भाला मार दिया गया, जिसके चलते इसने तड़प तड़प के अगले दिन दम तोड़ दिया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अनुसार ये घिनौना काम हल्ला पार्टी का नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे भाला मारने के लिए जिसने भी भाला मारा वो और ऊंचाई पे रहा होगा। लेकिन फिर भी फिलहाल सारी हल्ला पार्टी पे बैन लगा दिया गया है, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है। इस पूरे प्रकरण में मुझे एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि इंसानों का रिश्ता पशुओं के साथ वैसा हो गया है जैसा अंग्रेजों का भारतीयों के साथ था। भाई पहले तो किसी की जमीन पर कब्जा कर लो, और जब वो अपना हक मांगने आए तो उसी को गलत बताओ और उसी को सूली पे टांग दो।